हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रभा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर पे ही दूध से पनीर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है गाय का दूध। यहाँ मैंने लिया 3 लीटर गाय का दूध। दूध बॉयल होने देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध में बॉयल आ गया है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ विनेगर यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ लिया 2 चम्मच विनेगर और जितना विनेगर लेंगे उसमें उसका 4 गुना हम पानी मिला लेंगे। अब इसको हम एक एक चम्मच करके दूध में डालते हैं। सारा विनेगर हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम एक एक चम्मच करके धीरे धीरे डालेंगे इसमें विनेगर को और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ध्यान रखें फ्लेम ऑफ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध से पनीर एकदम अलग हो चुका है, छेना अच्छे से अलग हो चुका है। इन केस अगर आपका दूध अच्छे से नहीं पूरा फट पा रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑन कर दीजिए, उसको हीट मिलेगा दूध को, तो अच्छे से इस तरीके से आपका जो छेना है वो दूध से अलग हो जाएगा। अब इस छेने को हम एक पतले कपड़े से, सूती कपड़े की सहायता से छान लेंगे, साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसमें विनेगर का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ना आए। और इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, दाल में यूज कर सकते हैं, आटा गूंथने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने रखा है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, इसको हम बॉयल आने देते हैं। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पे टाटरी, इसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसे हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। मैं बेलन चौकी पे इसे पीस लूंगी। इसे हमने पीस लिया, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, 2 चम्मच करीब पानी मिला लेंगे, इसको घोल लेंगे। दूध में बॉयल आ गया है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये लिक्विड, ये डालेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले आधा डाला मैंने, इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। बाकी आधा जो बचा था वो भी डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं दूध फटना स्टार्ट हो गया है। मुझे टाटरी से दूध फाड़ना सबसे इजी वे लगता है। नींबू और विनेगर थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट ये तुरंत वर्क करता है। ये देखिए आप, इसको आप धीरे धीरे चलाते रहें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध से पनीर अच्छे से अलग हो चुका है, ये छेना बहुत अच्छे से। इन केस अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं फटा है दूध अच्छे से, तो आप एक क्विक बॉयल दे सकते हैं दूध को। और या फिर हो सकता है कि आपने जो टाटरी दूध फाड़ने के लिए यूज़ किया है उसका अमाउंट कम यूज़ किया है तो वो थोड़ा सा बढ़ा लें। देखिए अच्छे से अलग हो चुका है, बाकी पनीर की तरह ही सेम प्रोसेस है। अब इसको हम छान लेंगे मसलन क्लॉथ में या किसी भी कॉटन के क्लॉथ में, इसको हम छान लेंगे, साफ पानी से धुल लेंगे और इसको भारी किसी चीज के नीचे दबा के इसको शेप दे देंगे। मैंने दूध बॉयल होने को रख दिया है। 2 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप भी फुल क्रीम मिल्क का ही यूज करें, वरना जो पनीर बन के तैयार होगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम मलाई निकाल लेते हैं दूध से तो उसकी चिकनाई निकल जाती है। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ लिया है लेमन जूस, इसमें मैं डाल दूंगी 2-3 चम्मच पानी से डाइल्यूट कर लेंगे हम। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, हमने फ्लेम एकदम लो कर दिया है। पूरा लेमन जूस हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच डाल के इसको चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा लेमन जूस इसमें डाल दिया है। थोड़ा वेट करेंगे हम। लेमन जूस ऐड करने के बाद 3 से 5 मिनट या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, परेशान ना हो। देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है, बस इसे टाइम देना पड़ेगा। दूध देखिए फटना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी पनीर जो है ये अच्छे से भी और अच्छे से पानी से अलग होगा। थोड़ा और हम वेट करेंगे।
इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूध काफी अच्छे से गर्म है और बस इसको कुछ थोड़ा सा और टाइम देंगे। देखिए दूध अच्छे से फट चुका है, छेना अच्छे से पानी से अलग हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। पनीर को हम साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसमें लेमन का कोई टेस्ट ना आए। अच्छे से हम धुल लेंगे इसको। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसकी हम पोटली बना लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम रखेंगे सेट होने के लिए। इसको सेट करने के लिए सिल के नीचे से दबा सकते हैं या फिर किसी भी भारी चीज के नीचे से दबा दें। मैंने इसे इस तरीके से रख दिया है। इसके ऊपर मैं कोई भी भारी बर्तन रख दूंगी इस तरीके से पानी भर के, ताकि इस पर वेट पड़ता रहे। इसे एक घंटे के लिए हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए। इस बर्तन को हम हटाएंगे और इसको हम ओपन करके देखेंगे। आप देख सकते बहुत अच्छे से सेट हो गया है पनीर हमारा। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हम घर पे ही दूध से पनीर बना सकते हैं। मैं इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ आपको। इसे आप फ्रिज में रख दें तो ये और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बना है पनीर हमारा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे पनीर बनाने की तीनों विधियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।